नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भिंड से आ रही है। संभागीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कोहली समाज ने कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थन में हजारों की संख्या में समर्थन देने की अपील की। जानकारी अनुसार बीटीआई रॉड एडवाइजर पब्लिक स्कूल में अखिल भारतीय कोहली समाज के संभागीय अध्यक्ष मनोहर लाल पटवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, जिले में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने, किसानों के खेतों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा नदी बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की जो शुरुआत की जा रही है वह स्वागत योग्य है। समाज के हर वर्ग के युवाओं को इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए, जिससे हमारी सिंध के आसपास बने गांवों का जो अस्तव अवैध उत्खनन से उजड़ रहा है उसे बचाया जा सके। आज भिंड जिले के अंदर अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है, जिस पर जिला प्रशासन भी अंकुश लगाने में नाकाम रहा है। लाहौर विधायक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो नदी बचाने अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने का जो वीणा उठाया है, उनके इस निर्णय से कोहली समाज अपनी सर्व समाज के साथ इस आंदोलन में उपस्थित दर्ज कराने के लिए तैयार है। साथ ही समाज के द्वारा इस पथ यात्रा के करीब 5,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। संभागीय अध्यक्ष ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय यही कार्यक्रम में करीब आधा सैकड़ा कोहली समाज के लोग उपस्थित हुए मीटिंग में शामिल हुए। अखिल भारतीय युवा कोरी समाज संगठन के संभागीय अध्यक्ष मनोहर लाल पटवा, जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह, राकेश साक्य, पार्षद लाहार से विजय सिंह साक्य, आनंद साक्य, योगेश कुमार, राम भरोसे साक्य, नेत्रपाल साक्य, छोटे साक्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित हुए। ब्यूरो इमरान अली खान। बताएं, आज अखिल भारतीय कोरी समाज के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात और क्या बात लेकर आप विशेष समाज को जागृत कर रहे हैं? समाज में जो 5 तारीख को जिले में जो यात्रा होने जा रही है नदी बचाओ आंदोलन जी, इसमें हमारा कोरी समाज पूर्ण रूप से सहयोग करता है डॉक्टर गोविंद सिंह जी का। जो उन्होंने जनता के लिए जो मुद्दा उठाया है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये तो जिलेवासियों का पूर्ण सभी सर्व समाज के लोगों के हित की बात है। जो नदी में बताएं क्या नाम है आपका, आज यहाँ संभाग स्तर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दा है ये? जय झलकारी जय कोरी समाज। मैं मनोहर लाल पटवा, अखिल भारतीय युवा कोरी समाज संगठन से ग्वाली चंबल संभागीय अध्यक्ष। जिलेवासियों से हमारे कोरी समाज के जो लोग हैं उनसे अपील करता हूं, और जो 5 तारीख से जो डॉक्टर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के अगुवाई में नदी बचाओ यात्रा जो होने जा रही है उसमें हमारा कोरी समाज पूर्ण रूप से संभाग का पूरा समाज हमारा समर्थन करता है। जो उन्होंने नदी बचाओ आंदोलन का जो मुद्दा उठाया है वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो समाज जल स्तर नीचे की ओर जा रहा है उस नदी बचाव के आंदोलन से हमारा जल स्तर बचेगा और हमारे जो किसान के गांव से जो नदी से जुड़े हुए हैं उनके सिंचाई के साधन और जो जानवर भूखे प्यासे जंगल के और किसानों के जो प्यासे मर रहे हैं उनसे जल बचाव रहेगा हमारा और हमारा पूरा कोरी समाज। अध्यक्ष जी, कितने लोगों की संख्या कोरी समाज के इस कार्यक्रम में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करा रही है, जो कि डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा नदी बचाओ अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है? इसमें हमारे कम से कम 5,000-6,000 से ज़्यादा ही कोरी समाज उपस्थित रहेगा। हमारा समाज जहाँ से यात्रा शुरू होगी लार से ही हमारे काफ़ी समाज है, लार से, दमोह से, और हमारा वहाँ से सभी जहाँ तक यात्रा खत्म होती है वैसे ही हमारा समाज भिंड जिले से और हर जगह से जुड़ता चला जाएगा। जहाँ स्थानीय जो हमारा समाज रह रहा है वहाँ ही से हमारे समाज जुड़ के एक भीड़ का अनुभव रूप लेगा। मतलब जहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है उस कार्यक्रम के दौरान जो 11 तारीख को चंबल पर आकर उनका विसर्जन कार्यक्रम रखा गया है उसकी समाप्ति होगी, तो कोहली समाज की संख्या समाप्ति कार्यक्रम पर कितने लोगों की हो सकती है? जहाँ से कार्यक्रम शुरू होगा वहाँ से कम हमारे 6,000 के समथिंग उपस्थित रहेंगे, और जहाँ कार्यक्रम समापन होगा
तो वहाँ पर हमारे कम से कम 10,000 से ऊपर ही हमारे समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। और भी ज़्यादा लोगों से हम अपील करते हैं हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित रहे और समर्थन करें बढ़ चढ़ के इस तरह।